खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मिसाल पेश करते हुए गाय की सेवा कर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज की इस पहल से लोगों में खुशी दिखी जा रही है। मामला उत्तर थाना क्षेत्र के गौशाला का है, जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों ने गाय को पहले माला पहनाई, इसके बाद उन्हें फल खिलाकर अगले 3 दिनों तक इसी अच्छी तरह से सेवा की गई, त्योहार मनाने की बात कही गई। ईद जुहा के मौके पे लोग कुर्बानी करते, हम गाय की सेवा करेंगे, इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का अच्छा संदेश जाए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे, दंगा फसाद इससे दूर हो, मोहब्बत कायम रहे हमारे जिले फिरोजाबाद में। इसलिए हमने ये गाय का 3 दिन तक इंद्रेश कुमार जी का संपर्क है, 3 दिन तक गाय की सेवा करना, हम 3 दिन तक ईद जुहा पे गाय की सेवा करेंगे बराबर 3 दिन तक। कानपुर में मामूली विवाद में महिला के साथ मारपीट की गई है। 3-4 महिलाओं ने मिलकर एक महिला के साथ पिटाई की। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सचेंडी थाना क्षेत्र के हृदयपुर गाँव का ये मामला है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से 3 से 4 महिला एक महिला के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। मामूली विवाद में महिला के साथ मारपीट होती है, आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए कैसे तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि एक महिला को 3 से 4 महिला मिलकर पीट रही है। मामूली विवाद को लेकर यह विवाद हुआ था। अगली खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आ गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ी की आवाजाही बंद हो गई। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गया। यहां मलबा गिरने के साथ ही धूल का गुबार भी उठता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी से मलबा नीचे उतरता है, और जैसे ही मलबा नीचे गिरता है धूल का एक बड़ा सा गुबार ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आवाजाही भी बंद कर दी गई है, क्योंकि ये मेन रूट है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मलबा नीचे गिरा है, ये रूट बंद कर दिया गया है, यहां से यात्रियों का आना जाना बना रहता है। खबर संभल से आ रही है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, सरकार का कोई भी फैसला नहीं मानेंगे मुस्लिम सिर्फ उलेमा और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे, सरकार को उलेमाओं और मुफ्तियों के साथ बात करनी चाहिए। तो ये बड़ा बयान आ रहा है शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की बात मुस्लिम नहीं मानेंगे, और अगर बात वो मानेंगे किसी की तो वो सिर्फ उलेमाओं और मुफ्तियों की ही बात मानेंगे, सरकार को मुफ्ती और उलेमाओं से बात करनी चाहिए, उसके बाद जो भी वो आगे का निर्णय लेंगे उसी बात पर अमल किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से। तो ये बड़ा बयान दिया है सपा सांसद शफीकुर रहमान की तरफ से, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार की बातें नहीं मानी जाएंगी। मेरा कहना ये है कि ये मसला मज़हब का है, इस्लाम के यहाँ मज़हब के उलमा मुफ्ती सब मौजूद हैं, जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्ती आन करेंगे उसको हम मानेंगे, हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके ख़िलाफ़ हैं, यूनिफॉर्म कोड के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हमारे उलमा और यहाँ के जो मुफ्तियान हैं उन्होंने भी कानून और इस्लाम की रूह से परल यही फतवा दिया कि कोर्ट एक नहीं हो सकता। और अब बात कर लेते हैं भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले की। तो इस हमले में से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, जिसमें क्षेत्रीय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को जान से मारने की धमकी दी जाती है। फेसबुक पेज पर लिखा गया कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे। इस मामले में गौरीगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। और इस पोस्ट को आप देखिए किस तरीके से धमकी भरा पोस्ट किया गया है, और लिखा गया है कि चंद्रशेखर पर अमेठी के ठाकुर ही हमला करेंगे और उन्हें मारेंगे।
आर्मी प्रमुख पर सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का हाल जानने के लिए नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर, मेयर डॉक्टर अजय सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि चंद्रशेखर सम्मानित नेता हैं और उनके ऊपर हुआ ये हमला दुखद है। चंद्रशेखर फिलहाल खतरे से बाहर है। उधर आरएलडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत भी चंद्रशेखर का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब ये बाहर निकली तो उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए। मनीषा अहलावत ने कहा कि बीते 2 साल से चंद्रशेखर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को लगातार अनसुना किया जा रहा था। आज माननीय चंद्रशेखर जी का स्वास्थ्य पता करने के लिए मैं, महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय राघव जी, आदरणीय मेयर साहब, सब लोग गए थे। निश्चित रूप से हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, और जो भी घटनाक्रम है वो दुखद है और हम उनका हालचाल पूछने आए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक है और प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम सबकी कामना है। कोई बता रहे थे कि अभी कुछ इन्फेक्शन वगैरह की? नहीं, ऐसा कोई जानकारी ना सीएमओ साहब के द्वारा दी गई और ना माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई। उन्होंने भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। कब तक कह रहे हैं डिस्चार्ज करने? अभी ये तो देखिए, ये डॉक्टरों का अपना मत होता है, उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप करें वो ठीक नहीं। जो इनके ऊपर गोली कांड हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे? कानून अपना काम करेगा और कानून, उनके ऊपर गोली किसी ने चलाई है वो निश्चित रूप से जेल जाने चाहिए और ये जेल जाएंगे। बहुत एक दिल को सुकून मिला कि भाई बिल्कुल ठीक हैं, सकुशल हैं, अभी स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है तो आराम जरूरी बताया है, आराम तो करेंगे। और अब उनकी जो हमलावर थे उनके बारे में कुछ पता चला? पता पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा? अभी तो कुछ पता नहीं लगा है। अब आप लोग आगे कैसे भीम आर्मी के साथ रहेंगे, क्या है? देखिए, हम तो एक बहन के नाते, मैं तो अपने भाई की देखने आई थी। इस वक्त मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल से, तो हम सभी बहुत चिंतित थे और एक बार अपने आँखों से देखना चाहते थे कि वो ठीक हैं, और वो देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चिंता बनी रहेगी कि इस तरह का हमला हुआ कैसे और क्या आगे इसे रोक पाने में हमारी सरकार कामयाब रहेगी, क्योंकि अभी तो हमलावरों का पता ही नहीं लगा पाए हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। समर्थकों के साथ अस्पताल से घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, और वहीं एसपी और एसडीएडीएम से वार्ता के बाद माने चंद्रशेखर समर्थक। सहारनपुर में समर्थकों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। एसपी और एजीएम की वार्ता करने के बाद चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो माने हैं, उनकी छुट्टी हो गई है अस्पताल से, लेकिन उनको देखने के लिए उन समर्थकों का जो हुजूम है वहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में देखने को मिला। और बाद में जब एसपी के से बातचीत हुई तब जाकर को के वो माने। मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर मान्य और काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लव कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हुए हमले के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसे लेकर मेरठ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन के जरिए यूपी सरकार को ज्ञापन सौंपा जिसमें चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है, साथ ही हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो वे चंदा इकट्ठा कर प्रदेश सरकार को देंगे, चंद्रशेखर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कल कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है, उसी क्रम में हम लोग उन दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी और साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जी
इस देश के बहुजनों का एक बड़ा चेहरा है, इस देश के करोड़ों जो बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ है। इसलिए सत्तारूढ़ लोग और कुछ ऐसे लोग घबरा गए हैं क्योंकि एक बड़ा चेहरा आज चंद्रशेखर आजाद जी बन गए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वो ठोको प्रणाली अपराधियों पर अपनाने की बात करते हैं, जो बताते हैं कि ठोको प्रणाली मैंने लागू कर रखी है और अपराधियों को ठोकने का काम कर रखा है, अब मैं देखूंगा कि उन अपराधियों को इस प्रदेश के मुखिया किस हिसाब से ठोकते हैं जिन्होंने इस देश के इतने बड़े नेता पर हमला किया है जो विश्व में प्रख्यात नेता है। हम ये कहना चाहेंगे जिन लोगों ने हमला किया है बहुजन लीडर पर, बहुजन हत्या सम्राट पर, चंद्रशेखर आजाद जी पर, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ उसकी कौम के लोग इतने कमजोर नहीं है या इतने जो मजबूर नहीं है कि अपने नेता की रक्षा सुरक्षा न कर सके। लेकिन हम प्रशासन से ये गुहार भी लगाते हैं कि जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब इस देश के अंदर बागेश्वर जैसे बाबा को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है तो बहुजन लीडर को क्यों नहीं दी जाएगी। यही दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आज चुप हो चुके हैं तो उनकी गलतफहमी है। जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जेलों से नहीं डरते, यहाँ की जेलें कम पड़ जाएंगी, यहाँ की सड़क कम पड़ जाएंगी, हम अपने नेता के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वहीं शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। हिस्ट्री शीटर ने घर में घुसकर महिला को पीटा, खून से लथपथ महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने एसपी और सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के तवहरगंज मोहल्ले का ये मामला है। शाहजहांपुर से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बेखौफ बदमाशों का आतंक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ होके ये दबंग घर में घुसते हैं, महिला के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद महिला पुलिस और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाती है। लेकिन बहुत ही चिंताजनक है कि इस तरीके से दबंग अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद महिला के साथ मारपीट करते हैं। हमीरपुर में नाले में डूबकर दो किसानों की मौत हो गई। खेत में भरे पानी को निकालने गए थे दोनों किसान। किसान की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। फिसलकर पानी भरे नाले में गिरे दोनों किसान, राज कोतवाली के रौरा गांव का ये मामला है। खेत में भरे पानी को निकालने के लिए दो किसान गए हुए थे लेकिन वो फिसल कर उसमें डूब गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। किसानों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप है, मातम का माहौल है। राठ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नाले में डूबकर तो किसानों की मौत हो गई। वहीं कुशीनगर में करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया। गंभीर हालत में लाइनमैन को दुर्गेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया और मथौली नगर के लोहेपार में फॉल्ट बनाने दौरान ये हादसा हुआ। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की घटना है ये और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से झुलसा हुआ लाइनमैन नीचे दिख रहा है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के घटना का ये घटना है और गंभीर हालत में लाइनमैन का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसको वही बहराइच में बच्चों के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले जिसमें कई लोगों को चोट आई है। ये मामला फखरपुर इलाके के वजीरगंज का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दो पक्षों में विवाद आगे बढ़कर लाठी डंडे चलने में तब्दील हो जाता है और ये भिड़ंत आप देख सकते हैं कि कितना सीरियस। दो गुटों में भिड़ंत होती है, लाठी डंडे चलते हैं और ये देखिए इस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि ज्यादा चोटिल भी हो सकते हैं सामने वाले लोग। बागपत में भी दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में किसी बात पर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट होने लगी। मारपीट होने से सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगली तस्वीर बागपत से है, जहां पर फिर से मारपीट देखने को मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। आपसी विवाद को लेकर के दो गुटों में मारपीट शुरू हुई। मारपीट लाठी डंडे और पथराव में भी तब्दील हो गई, लेकिन वहां जान बचाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर में बोरिंग के दौरान निकले मलबे से दबा युवक और लगातार बारिश के बाद बोरिंग से निकली मिट्टी में दबा युवक। बोरिंग देखने गया था युवक, मिट्टी में दबा। ग्रामीणों की मदद से मिट्टी में दबे युवक को निकाला गया है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडवारा थाना क्षेत्र के सिरोन गांव का मामला है ये। तो बोरिंग के वक्त ये हादसा हुआ मलबे में। बोरिंग के वक्त जैसे ही मलबा बाहर निकाला गया, वो मलबा उल्टा उस शख्स पर गिर गया, जिसकी वजह से वो दब गया। हालत नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मडावर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं नोएडा में लुटेरों का आतंक देखने को मिल रहा है। लुटेरों के आतंक की एक और तस्वीर आपके सामने है। बाइक सवार लुटेरे महिला से दिन दहाड़े मोबाइल लूटकर फरार हो गए। ये मामला थाना 24 इलाके का बताया जा रहा है। इस दौरान महिला काफी दूर तक घसीटती हुई दिखाई दे रही है, जिससे महिला को चोट भी काफी आई है। महिला की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। चार दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि ये इनके बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते चार दबंगों ने युवक के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। चार दबंगों की आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से चार दबंग अंदर घुसते हैं और उसके बाद युवक की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।